लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस के गोद में महागठबंधन के लोग बैठे। जब तक राहुल गांधी ने ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, तब तक वो बिहार आने के लिए सहमति नहीं दी। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है। और ये लोग सपना देख रहे हैं कि तीन तीन महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसलिए एनडीए छोड़कर गए थे कि उनको सपना दिखाया गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। आने वाले 23 जून को बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर बिहार में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यह साफ कह दिया है कि लोकतंत्र के हत्यारे महागठबंधन लोग आज जाकर कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया था, इस वजह से वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जाकर शामिल हो गए। और उसके बाद लगातार यह सपना देख रहे नीतीश कुमार कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष, वो सुने आप लोग। नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में देश में सिंचाई के कार्यक्रम कैसे बढ़े, देश में टीवी के खिलाफ कैसे अभियान देश में चलाए जा रहे हैं, देश में अखंड भारत का जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को 370 हटाने के बाद जो कश्मीर विकसित हो रहा है, विकासशील हो रहा है, उसके पूरे चीज़ों के खाका को बताने का काम उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने आपातकाल की घटना का भी जिक्र किया कि जो लोग पूरे देश के लोकतंत्र को जख्मी कर रहे थे, वही लोग आज उस लोकतंत्र के हत्यारे को महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए 25 तारीख का दिन तो अपने आप में बिहार में काला दिवस के तौर पर होगा। जिस बिहार ने लोकतंत्र की स्थापना किया और बिहार के उन नेताओं ने, जिन नेताओं ने उस समय खिलाफ किया, वही नेता आज उनके गोद में बैठकर कांग्रेस का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, नहीं करेंगे। देखिए, सबको प्रधानमंत्री बनना है और ये लोग, अरे इतना लंबा होने के बाद भी माइक ऊपर कर रहे हो। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है। और ये लोग सपना देख रहे हैं कि तीन तीन महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाए। 24 और 29 को अमित शाह और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, इसका बड़ा कारण देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा, सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया है। सारे सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में लगभग 50 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान भारत से जोड़ा गया, 4 करोड़ महिलाओं को सीधा पक्का मकान से जोड़ा गया, उनको पक्का मकान उपलब्ध कराया गया, लाखपति बनाया गया, और 80 करोड़ लोगों को सीधा अनाज उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। और कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन
कोई एक व्यक्ति अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है जो ये कहे कि मोदी जी का कोई ना कोई कार्यक्रम उसके घर तक नहीं पहुंचा, चाहे वो वैक्सीन हो। जब दुनिया ने किसी ने वैक्सीन नहीं दिया तो भारत ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक एक व्यक्ति को देश में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। 23 तारीख को विपक्षी दल की जो बैठक है, क्या लग रहा है उस बैठक से? देखिए, बैठक करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस आपातकाल की चर्चा भी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो स्पष्ट है। लोकतंत्र का हत्यारा कौन था? लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस के गोद में महागठबंधन के लोग बैठे। जब तक राहुल गांधी ने ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक वो बिहार आने के लिए सहमति नहीं दिए। लेकिन हमको दुख है, बिहार के लोगों को दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसलिए एनडीए छोड़कर गए थे कि उनको सपना दिखाया गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन बिहारियों को यह कष्ट हो रहा है, अब सपना भी नहीं देख सकते हैं क्या ये महागठबंधन में? धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, सम्राट चौधरी ने बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और विपक्षी एकता को लेकर जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने सपना दिखाया था, इसलिए वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाकर शामिल हो गए और जिसके बाद लगातार प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। लगातार बिहारवासियों को दुख हो रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो वहीं बैठक को लेकर क्या कुछ कहते सम्राट चौधरी आपने सुना है, तो वहीं नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।